खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के कहर की। कोरोना का कहर एक बार फिर से दुनिया को डराने लगा है। ऐसे में जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, अगर हिंदुस्तान में भी कोरोना बम फटा तो भारत कितना तैयार है, ये जानने के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्राउंड जीरो पर है, जहां कोरोना से निपटने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, अस्पतालों में सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम हैं, कोरोना से फाइट को लेकर अस्पतालों में इंतजाम की मॉक ड्रिल से तैयारियां परखी जाएंगी, और ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर स्वास्थ्य सिस्टम कैसा है, डॉक्टर कितने तैयार हैं, जनता कितनी तैयार है। हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से रिपोर्टर जुड़ेंगे, हमारे विशेष सहयोगी जुड़ेंगे, जो बताएंगे अस्पतालों में तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल की जानकारी हमें देंगे। उससे पहले इस कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट शून्य पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में अब तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। 1399 कोरोना जांच में एक भी संक्रमित केस नहीं आए हैं, यानी कि 1399 लोगों की सैंपल कलेक्शन किया गया, जांच की गई, जिसमें एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। रायपुर में 7 और दुर्ग जिले में 1 कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है, जो कि एक्टिव है। लेकिन अब कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार कितनी सावधान है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रायपुर में अब जो है संक्रमण की दर शून्य तक पहुंच चुकी है, ये बड़ी जानकारी और एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। इधर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट है। कोरोना संकट से निपटने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल में बेड, वेंटिलेटर समेत स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की जाएगी। रायपुर के मेकाहराज और जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर रियलिटी क्या है, कितनी विषय वस्तु तैयार है, कितनी वस्तुएं तैयार हैं जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। फिलहाल जो है डॉक्टर्स इसको लेकर तैयार है। मॉक ड्रिल में तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा जो कि कोरोना फाइटर्स रहे हैं, और उनसे समझेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां अस्पतालों में की जा रही है, डॉक्टर्स कितने तैयार हैं, इसके अलावा संक्रमण की दर वहां उन राज्यों में कैसी है, उन जिलों में कैसी है, लोग कितने जागरूक हैं, सावधानियां कितनी बरतनी पड़ेगी, ये तमाम सवाल अभी हम सबके सामने खड़े हैं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। लेकिन फिलहाल आज मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल में ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी कि आखिर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, हम कितने तैयार हैं, जनता कितनी तैयार है, ये तमाम बड़े सवाल अभी भी खड़े हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 जिसने चीन में हाहाकार मचा दिया है, चीन समेत कई देशों में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग लगातार मरते जा रहे हैं चीन में, जो जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है वो अपने आप में भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में सावधानी बरती जा रही है। विदेशों से आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इधर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टर्स को सावधान रहने के, सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में तमाम जिलों के CMHOs को ये आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे कि तमाम व्यवस्थाएं पूरी रखें। ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी यहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात कही थी। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर लोग कितने सावधान हैं, आज मॉक ड्रिल भी अस्पतालों में होने जा रही है, किस तरह की तैयारी है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नेहा केशरवानी रायपुर से जुड़ेंगी, अमृतांशी जोशी राजधानी भोपाल का हाल हमें बताएंगी, उसके अलावा जगदलपुर की बात करेंगे आशुतोष तिवारी से, और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का हाल जानेंगे हेमंत शर्मा से। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चलेंगे, अमृतांशी जोशी से बात करते हैं। अमृतांशी, आज मॉक ड्रिल है, कितना वहां पर आप तैयारी देख पा रही हैं, जनता कितनी जागरूक है, डॉक्टर्स कितने तैयार हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगातार मॉक ड्रिल चल रही है और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, और मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंच चुके हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और ऑक्सीजन प्लांट का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए हम जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट की तरफ, देखिए चेकिंग की जा रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो है ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी पिछले साल, जो हम लहर की बात करें दूसरी लहर की, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जरूरतें जो दिखी थी उसको लेकर आज मंत्री यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे। और देखिए
ये मंत्री अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम तरीके से जो यहाँ पर और डॉक्टर्स हैं वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद है और वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, जांच करते हुए नजर आ रहे हैं कि कितना वर्किंग में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ जरूरतें हैं जिनकी सबसे ज्यादा जो है देखी जा रही है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो या फिर बेड्स की बात हो। हमीदिया अस्पताल में देखिए ज्यादा से ज्यादा बेड्स उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मंत्री विश्वास सारंग भी यहाँ पर उसी का जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो यहाँ पर देखिए उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर देखिए हर चीज का जो है, सर आज आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण है, पिछली लहर में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखिए हर तरह की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हमने की हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हर व्यवस्था को आज हम मॉक ड्रिल के माध्यम से देख रहे हैं। बेड्स की उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं, बेड्स की उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित? पूरी तरह व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त है, आज हम सभी चीजों की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ से मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है, मॉक ड्रिल की शुरुआत ऑक्सीजन प्लांट से शुरू हुई है कि वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम आपको बिल्डिंग्स की तरफ दिखाएंगे, ये जो बिल्डिंग्स हैं इन सभी के अंदर बेड्स मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा मतलब सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम जो है सुनिश्चित हैं। अगर हम बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें, दोनों ही जगह जो ऑक्सीजन प्लांट्स हमीदिया अस्पताल में लगे हुए हैं, ये देखिए एक ऑक्सीजन प्लांट आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, दूसरा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर अंदर है। क्या कुछ स्थिति ऑक्सीजन प्लांट्स की है, ठीक से चल रहे हैं या नहीं, बंद तो नहीं हो गए, खराब तो नहीं हो गए, इसको लेकर भी जो है पूरी जो है जांच की जा रही है। और कोई भी खास असर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी ऐसी उम्मीद है। जरा इंदौर देख लेते हैं, इंदौर में किस तरह की तस्वीरें हैं, हेमंत शर्मा के पास चलेंगे इंदौर। हेमंत, आज मॉक ड्रिल इंदौर में हो रही है, कितना प्रशासन तैयार है, डॉक्टर्स कितने तैयार हैं और क्या जनता को मालूम है कि आज शहरों में मॉक ड्रिल हो रही है, उन्हें भी सावधान रहना है? देखिए बिल्कुल शुभम, मैं इंदौर के पीसी सिटी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका निरीक्षण यहाँ पर इंदौर सीएमएचओ जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण जो है वो विदेशों में हाहाकार मचा रहा है, उस तरीके से भारत को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निर्देश रहे हैं उनको लेकर सभी प्रदेश सरकार जो है वो अपने अपने राज्यों में मॉक ड्रिल करा रही है। और दरअसल ये जो मॉक ड्रिल है इसको साफ तौर पर अगर देखा जाए तो एक निरीक्षण कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स और सीएमएचओ ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक निरीक्षण इसको कह सकते हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल जो नाम दिया गया उसके जैसे ही मॉक ड्रिल नाम आता है उससे जहन में ये आता है कि मरीजों को लाकर भर्ती कराने की जो प्रोसीजर है उसे देखा जाएगा, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जो निरीक्षण चल रहा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि अस्पतालों में किस प्रकार की तैयारियां हैं। हमारे साथ में इंदौर सीएमएचओ बीएस सत्या मौजूद है, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं किस प्रकार की तैयारियां। सर मॉक ड्रिल इसको नाम दिया गया लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि निरीक्षण किया जा रहा है, तो क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं इंदौर जिला प्रशासन की? क्योंकि पहले से अभी हम लोग देख रहे हैं कि सुनना में यार क्या हमारी अदर पास की जो कंट्रीज है वहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और चूंकि हमारे पास जो व्यवस्था है कोविड की पहले से जो प्लानिंग करी हुई है कि बेड कितने हैं ऑक्सीजन के क्या, क्योंकि पिछली बार जो समस्या आई थी मेन चीज़ थी ऑक्सीजन की, तो अब ऑक्सीजन प्लांट तो पूरे इंदौर ज़िले में जो 48 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में भी लगे और हमारे यहाँ पर जो जिला अस्पताल और MY अस्पताल और जो हमारे CSC पे है तो हमारे ये प्लांट गए। तो अभी मैं उसके पहले हम लोग PCCT अस्पताल के गए थे, वहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट देखा तो वहाँ पर भी अभी प्योरिटी जो उसकी देख रहे हैं वो 96.83 आ रही है, यहाँ की भी प्लांट चालू कर दिया है और अभी यहाँ की भी ऑक्सीजन प्योरिटी इन लोगों की प्योरिटी अच्छी रखे थे और इसका प्रेशर भी साथ में मॉक ड्रिल के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है प्योरिटी के साथ साथ क्या ऑक्सीजन इतना प्रेशर है कि वो बेड पर जाकर वहाँ पर ऑक्सीजन जो पेशेंट्स है उन लोगों तक पहुँच जाएगी, तो हम लोग देख रहे हैं प्रेशर भी ठीक है और अभी जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़िया आ रहा है। सर ऑक्सीजन प्लांट के अलावा और क्या क्या तैयारियाँ हॉस्पिटल की हैं जिनको आप यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूट पे हमारा ऑक्सीजन की सिलेंडर वगैरह है कि नहीं, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ऑक्सीजन की अगर व्यवस्था देखें वो देख रहे हैं, इसके अलावा हमारी मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, इसके अलावा बेड की जो देख रहे हैं कि बेड की व्यवस्थाएँ अगर होना चाहिए तो यहाँ पर 71 बेडेड भी अगर तैयारी है, साथ के साथ डायलिसिस भी चल रही है और उन लोगों के भी ऑक्सीजन वगैरह सुविधाएं हैं। सर अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कुल कितने हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर बेड की संख्या कितनी तक पहुंच जाएगी अगर कभी इमरजेंसी आवश्यकता पड़ती है तो? अगर वो पुराना देखा जाए हमारा जो थर्ड लहर की तैयारी थे उस समय देख रहे थे हम लोग 10,000 प्लस में थे उस समय बेड की तैयारी कर रहे थे, तो और मीटिंग भी हो गई है, अगर ऐसा रहेगा तो हो जाएगा।
तो देखिए शुभम, तैयारियां जो है वो पुख्ता है, इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पिछली बार 42 नए ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए थे और वो सब चालू हो चुके हैं। सभी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है जी। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन प्लांट वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर जो मरीज के बेड तक ऑक्सीजन पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, इन सब चीजों को तैयारियां जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स पूरी करते नजर आ रहे हैं। जरा ये तो ही बात मध्य प्रदेश की, अब जरा छत्तीसगढ़ चलेंगे और छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात हैं, वहां कैसा निरीक्षण डॉक्टर्स कर रहे हैं, कितने इंतजाम किए गए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलेंगे राजधानी रायपुर, सबसे पहले बात नेहा केशवानी से करेंगे। नेहा, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा पा रही हैं हमें, चूंकि खास दिन है आज, मॉकड्रिल के नाम इसे दिया गया है, निरीक्षण किया जा रहा है, कितने इंतजाम हैं रायपुर के अस्पतालों में? बिल्कुल, देखिए मैं रायपुर शहर के अंबेडकर हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि मॉकड्रिल अब थोड़ी ही देर में जो है वो शुरू होने वाला है और तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल अभी मॉकड्रिल की तैयारी यहाँ पर चल रही है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कोरोना पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज नहीं मिला है, ये राहत भरी खबर जरूर हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में कोई भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए स्वास्थ्य अमला छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से तैयार है और उसी के लिहाज से यहाँ पर जो है ये मॉकड्रिल चल रहा है। डॉक्टर्स से भी बात करने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, मॉकड्रिल आज होने जा रहा है, क्या तैयारी है, कैसे किया जाएगा? बढ़ते हुए केसेस को देख के हम सब अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और ये मॉकड्रिल का भी मेन रीज़न वही है ताकि अगर अचानक से केस आ जाते हैं तो हम सारे तैयार रहें, कोई भी दिक्कत ना आए, ना मरीज को ना ही अस्पताल प्रशासन को, इसलिए हम सारी तैयारी कर रहे हैं ताकि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें, यही हमारा मेन मॉकड्रिल। मॉकड्रिल में क्या होगा अभी, आप लोग क्या करें? अभी इस मॉकड्रिल में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो सबसे पहले उसको असेस करेंगे क्या प्रॉब्लम है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, आईसीयू में इन्फॉर्म किया जाएगा कि बेड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर के साथ में यहाँ से आईसीयू तक शिफ्ट किया जाएगा और इस दौरान कोई भी समस्या ना आए, तो इसलिए ये ड्रिल हम कर रहे हैं। हर इमरजेंसी के लिए स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में हर आपात स्थिति से निपटने के लिए जो है स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से तैयार है। और एक बात और आपको बता दें कि मैं अभी मेकाहारा हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में हूँ और ये वो वार्ड है जहाँ पिछले 2 साल पहले की जो तस्वीर थी वो इतनी भयावह थी कि हर तरफ जो है यहाँ पर कोरोना के मरीज देखने को मिल रहे थे। एक तरफ कोरोना की से जो जिनकी डेथ हुई थी उनकी लाशें यहाँ पर ढेर पड़ी हुई थी और एक तरफ जो है कोरोना के मरीज जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जो है वो बैठे हुए थे। इस अस्पताल का नजारा भी आपको दिखाते हैं, ये पूरा कोविड वार्ड है, यहाँ पर पूरे इमरजेंसी बेड की सुविधा जो है वो दी गई है और उसी तहत जो है अब इस कोविड वार्ड में सबसे अधिक जो है तैयारी सबसे पहले शुरू हो चुकी है। वैसे तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम जिलों में भी जो है आज मॉकड्रिल हो रहा है, लेकिन ये रायपुर शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें पिछले कोरोना में जो है वो निकल कर आई थी। तो ये पूरे जो ये मंजिला जो आप ये घर देख ये जो देख पा रहे हैं भवन, यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो स्वास्थ्य अमला जो है अभी पूरी तरह से तैयार हो गया है। हालांकि बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री के भी निर्देश हैं कि आने वाले 30 से 40 दिनों में कोई भी आपात स्थिति, कोरोना का नया वेरिएंट छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है, ऐसी आपात स्थिति को देखते हुए जो है ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल अभी मॉकड्रिल में क्या होना है ये थोड़ी देर में ही शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है, नेहा आऊंगा आपके पास में। जरा जगदलपुर चलेंगे, आशुतोष तिवारी से बात करते हैं। आशुतोष, जगदलपुर में कितनी तैयारी है कोरोना के नए वेरियंट BF.7 को लेकर, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, मॉकड्रिल में किस तरह की तैयारी जगदलपुर में? शुरुआत नहीं हुआ है मॉकड्रिल का, लेकिन बिल्कुल जिला प्रशासन मॉकड्रिल करने के लिए पूरी तैयारियां जो है यहां पर कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दो फेज हमने देखा है कि इस तरीके से कोरोना कहर बरपाया था और हर तरफ तबाही यहां पर नजर आ रही थी। हालांकि बस्तर में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं हुई थी और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज जो बस्तर का सबसे बड़ा संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर 35 वार्ड का कोविड वार्ड जो है वो तैयार कर लिया गया है, पूरी तरीके से बनाया गया है और इसके अलावा जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के पास 100 बेड और अवेलेबल हैं और अगर आपात स्थिति आती है तो तुरंत ही उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। हालांकि मॉकड्रिल आज होनी है और मॉकड्रिल में यही देखा जाएगा कि पुरानी जो चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन ECG और जो ICU है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। हालांकि बात की जाए तो बस्तर संभाग जो है वो सीमाई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश जो है इसके सीमाई क्षेत्र है, उड़ीसा में एक नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई कि टेस्टिंग की व्यवस्था सीमाई क्षेत्रों में की जाए या फिर रेलवे स्टेशन में किया जाए, क्योंकि जो
एक्सप्रेस है वो भी उड़ीसा से होती हुई आती है, और जो जितने व्यापारिक हैं, व्यापारिक दृष्टि जो है बस्तर व्यापार करने के लिए पहुंचते हैं उड़ीसा से, तो ये एक बड़ा गंभीर मामला हो सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर आता है और उसकी जांच सीमाई क्षेत्र में नहीं की जाती है और जगदलपुर में प्रवेश, बस्तर में प्रवेश कर जाता है, तो एक भयावह वाली स्थिति जरूर यहां पर उत्पन्न होगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दो फेस में मानव जनजाति को कोरोना ने प्रभावित किया है और जिस तरीके से देश में लगातार ये बढ़ता नजर आ रहा है, हालांकि बस्तर में तो अभी तक कोई एक भी मामले दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन जो है वो तैयारियां करने की बात यहां पर कर रहा है। चार तरीके से यहां पर टेस्टिंग की जाएगी, ये कहा जा रहा है बस्तर कलेक्टर के तरफ से कि टेस्ट, ट्रीट, वैक्सीनेशन और जो इसके अलावा लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, अपील भी करते नजर आ रहे हैं कि भीड़भाड़ इलाकों में वो ना जाए और जो ज्यादा जरूरी है तभी वे निकले। ठीक है आशुतोष, आऊंगा आपके पास में। जरा कटनी में हाल देख लेते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, तैयारियां की गई हैं। यश खरे से बात करेंगे। यश, जरा मॉकड्रिल को लेकर कितना सिस्टम तैयार है, जरा जानने की कोशिश कीजिए और बात करने की कोशिश कीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए। यश खरे जी, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कटनी में भी प्रशासन जो है तमाम तैयारियां करके रखा हुआ है। यहाँ पर पहले बात की जा रही है, इस प्रकार से मीटिंग की गई प्रशासन की, कि पहले 40 बेडों की व्यवस्थाएं की जाएंगी और आईसीयू को दुरुस्त किया जाएगा, और कटनी का जिस प्रकार से इसके पहले दुरुस्त किया जाएगा, और कटनी का जिस प्रकार से इसके पहले जो कोविड पड़ा था उसमें जो प्रशासन है वह तमाम तैयारियां करके आईसीयू वार्ड बना के रखा हुआ है। इस समय मौजूद है जो कोविड के मरीज आएंगे वह यहाँ पर आके उनको पूरी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही ये सर्व सुविधा युक्त है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के मरीजों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो जगह है वह जिला अस्पताल की जगह है और यहाँ पर जिला अस्पताल की जगह है और यहाँ पर जो मरीज आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी को सामने नहीं आना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जिला अस्पताल में कोविड की बात करें तो ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुका है, चूंकि विष्णुदत्त शर्मा सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है तो उन्होंने पिछले कोविड को देखते हुए यहाँ पर प्लांट भी लगा दिया गया था, तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जिला प्रशासन जो है आज मॉक ड्रिल करने वाला है और उनका समय जो रखा गया है लगभग 12 से 1 ड्रिल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, यानी तैयारी जो है पूरी कर ली गई है, खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, मॉक ड्रिल पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप पांचों सहयोगियों का, अमृतांशी जोशी आपका बहुत शुक्रिया, आशुतोष तिवारी आपका भी बहुत शुक्रिया, हेमंत शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए शुक्रिया, अमृतांशी जोशी के बाद में नेहा केशरवानी आपका बहुत शुक्रिया, यश खरे आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जो है इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन अब देखना जरूरी होगा कि आने वाले वक्त में जनता कितनी जागरूक हो पाती है और रियलिटी टेस्ट में किस तरह की तस्वीरें सामने आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।